हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री में पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट, कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, तो इससे पहले स्टूडेंट मैंने इसका एक अनदर वीडियो बना दिया है जो कि पार्ट 1 है। इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 बताऊंगा। तो उस वीडियो में स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि आप बेंजीन से DDT कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं स्टूडेंट पार्ट 2, और इसमें हम किस चीज से क्या प्राप्त करेंगे, कौन से कंपाउंड से किस चीज को प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसका PDF अगर आपको चाहिए सॉल्यूशन के साथ, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, ताकि आपके समझ में और भी अच्छे से आए। और ये आपके 5 मार्क में पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो दो बातों को आपको ध्यान में रखना है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे। तो इस वीडियो में स्टूडेंट हम सीखेंगे एक ही रिएक्शन के साथ तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे तो आप लोग वीडियो देखने के बाद ही समझ पाएंगे। देखिए, हम यहां पर बेंजीन से पिक्रिक अम्ल बनाएंगे, बेंजीन से फिनॉल या फिर फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाएंगे। ठीक है, ये सभी जो है बच्चों एक ही रिएक्शन में प्राप्त हो जाएंगे। तो इसको देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा जाएगा बेंजीन से पिक्रिक अम्ल तब भी आप कर सकते हैं, बेंजीन से फिनॉल तब भी कर सकते हैं, और फिनॉल से पिक्रिक अम्ल तब भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट रिएक्शन के साथ। तो सबसे पहला जो बच्चों कंपाउंड लेंगे हम, वो है बेंजीन। ठीक है, और बेंजीन का स्ट्रक्चर मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए, बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, या इसका फार्मूला भी C6H6 होता है। ठीक है, ये है बच्चों बेंजीन, पता होगा आप लोगों को बेंजीन रिंग। ठीक है, अब देखिए बेंजीन से हमें क्या क्या, चाहे पिक्रिक अम्ल, फिनॉल या फिर फिनॉल से पिक्रिक अम्ल प्राप्त करना है। आप देखते जाइए, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। अब हमें करना क्या है स्टूडेंट, यहां पर एक बार ध्यान दीजिएगा, इसकी अभिक्रिया हमें Cl2 से करानी है। ठीक है, और Fe की उपस्थिति में, Fe क्या है बच्चों, आयरन है। ठीक है, पता होगा, मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं कि Fe क्या होता है, आयरन है, Cl2 क्लोरीन है, और ये बेंजीन है। अभी मैं नाम भी लिखूंगा बेंजीन का। ठीक है, अब देखिए, जब इनकी अभिक्रिया Cl2 से कराई गई बेंजीन से, तो बच्चों ये क्या होता है, बना लेता है यहां पर, इसके सर पर होगा Cl। अब Cl क्या है स्टूडेंट, सबका नाम मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, लेकिन चलिए लिख देते हैं। ये है बच्चों बेंजीन, ये आपका यहां पर बन चुका है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अभी अब और बड़ा रिएक्शन है, हम लोग इसे सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप को सीखिए तभी इस रिएक्शन को आप कर पाएंगे। ठीक है, बेंजीन की हमने क्लोरीन से अभिक्रिया कराई आयरन की उपस्थिति में, तो क्लोरोबेंजीन बना। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम क्या करेंगे, फिर से गिब्स आउट लगाएंगे, और अभिक्रिया किससे हम कराएंगे, NaOH से। ये क्या है, तो बच्चों यहां पर क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब हमने NaOH से कराई तो क्या बनेगा। अब देखिए सिंपल तरीके से, आप देखिए ये जो Na है स्टूडेंट, यहां पर आप लोग समझिए स्टेप बाय स्टेप, ये दोनों इंपॉर्टेंट है जो मैंने पार्ट 1 में बताया, पार्ट 2 में बता रहा हूं। तो Na और Cl आपका निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, जो ये OH है स्टूडेंट, ये इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, कैसे देखते हैं। तो अब हमारा बन गया बच्चों, जो हमने NaOH से अभिक्रिया कराई क्लोरोबेंजीन का, तो हमारा बन गया ये OH। ठीक है, अब इसका भी नाम आपको पता होगा, मैं आपको अल्कोहल फिनॉल एवं ईथर में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताया है, तो उसमें मैंने इसे बताया है, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर उस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण सूत्रों को देख लीजिए। इसका नाम है बच्चे फिनॉल, फिनॉल शायद आप लोग जानते हो। तो देखिए, एक टॉपिक तो इसमें से हमारा क्लियर हो गया कि बेंजीन से फिनॉल बनाइए। तो बेंजीन की जब हमने Cl2 से अभिक्रिया कराई तो बना क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराई तो फिनॉल बन गया। अब ये अगर पूछा जाता है तो आप लोग इतना ही लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, तो चलिए नीचे थोड़ा देखते हैं इसी को। अब हमें लिखना है फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। ठीक है, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल और बेंजीन से पिक्रिक अम्ल, यहां से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए, इसी फिनॉल को हम लोग उतार लेते हैं यहां पर, ये देखिए OH। ठीक है, समझ में आया। अब इसकी अभिक्रिया स्टूडेंट हम लोग कराएंगे 3HNO3 से। HNO3 क्या है स्टूडेंट, पता है आपको,
नहीं पता हो तो इसको भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन चलिए आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या है HNO3। तो ये है स्टूडेंट नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। और जो इसके आगे लिखा है इसका नाम तो अभी मैंने आपको बताया फिनॉल है, ठीक है। लिख देता हूं ताकि आप लोग उतार सकें इसका PDF, जब आप पाएं तो अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो देखिए, जब हमने अब फिनाल, बेंजीन से फिनाल हमने बना लिया, फिनाल की HNO3 से जब हमने अभिक्रिया कराई स्टूडेंट, और किसकी उपस्थिति में, H2SO4। अब बहुत छोटा सा आपका है रिएक्शन H2SO4, और इसमें से आपका 3H2O निकलेगा, अभी देखना कैसे निकल गया। अब देखिए बनेगा क्या स्टूडेंट, तो बनेगा जो वही आपका बन जाएगा पिक्रिक अम्ल। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया है, आप ऐसे ही समझिएगा अच्छे से। यहाँ पर OH NO2, अभी मैं इसे बैलेंस बताऊंगा कैसे करते हैं। यहाँ पर भी NO2 और यहाँ पर भी NO2, या फिर NO2 के O2N भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब बच्चों आपका यहाँ पर प्राप्त हो गया, इसे हम लोग कहेंगे पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, ठीक है। तो पिक्रिक अम्ल तो हम इसे कहते ही हैं, लेकिन एक इसका रासायनिक नाम भी होता है बच्चों, 2,4-6-ट्राइनाइट्रो फिनॉल, ठीक है बच्चों। इसका नाम क्या होता है, 2,4-6-ट्राइनाइट्रो फिनॉल, कैसे होता है इसको समझिए। तो देखिए यहां पर आप लोगों के क्या करना है, यहाँ OH समूह लगा हुआ है, चलिए हम यही से गिनती करते हैं। तो ये भी नजदीक है, ये भी नजदीक है, हम किसी से भी इसे ऐड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर वन यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर कार्बन है बच्चों, ठीक है, 1, 2, तो 2 पर एक लगा हुआ है क्या, नाइट्रो समूह, और 2, 3, 4 पर नाइट्रो समूह लगा है, और 5, 6 पर नाइट्रो समूह लगा है, तो 2, 4, 6 इसका नाम, और 3 नाइट्रो लगे हैं, तो ट्राई नाइट्रो, और फिनाल तो बना ही है फिनाल, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए हमारा सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो गया है, हमने बेंजीन से फिनाल पहले बनाया, देखिए ये बेंजीन है, इससे फिनाल बना दिया। अब ऊपर देखिए, बेंजीन पिना फिनाल से पिक्रिक अम्ल बनाना था, तो ये देखिए फिनाल से हमने पिक्रिक अम्ल बना दिया, ठीक है। अब हमें क्या बनाना था, और एक बेंजीन से पिक्रिक अम्ल, तो अगर आपका बेंजीन से पिक्रिक अम्ल पूछा जाता है तो आप लोग यहां से करना, थोड़ा बड़ा पड़ेगा लेकिन समझ में आ गया होगा, बेंजीन से आप लोग पिक्रिक अम्ल बना देना इतना प्रोसेस करके, ठीक है। तो तीनों में तोड़ तोड़ कर पूछा जा सकता है, आप लोग ऐसे ही करना, ठीक है, तब आपके समझ में आएगा, और ये इजी भी है। तो स्टूडेंट ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इससे रिलेटेड वीडियो लगातार अपलोड होते रहते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू, आप लोग PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा।